फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से कार्पालक सहायक से जुड़ी रिटर्न एग्जाम के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट नोटिस निकाली गई है, और इस इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या बताया गया है सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि आपका रिटर्न एग्जाम जो होने वाला है 50 अंकों का होने वाला है, किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट शामिल किए गए हैं यहाँ पर बता दिया गया, और टोटल 442 कैंडिडेट बैठने वाले हैं आपके रिटर्न एग्जाम में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला 25/11/2018 को होने वाला है रविवार के दिन, और जो आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग दी गई है 10:30 से पूर्वाहन 11 पूर्वाहन तक दी गई है, यानी आपका जो एग्ज़ाम चलने वाला 10:30 बजे से 11 बजे तक चलने वाला है। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर की, तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र आपका बताया गया है इंटर उच्च विद्यालय किशनगंज, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है इंटर उच्च विद्यालय किशनगंज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है रिटर्न एग्ज़ाम कार्पालक सहायक जॉब का किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का। अब बात करते हैं पहले नंबर के पॉइंट पर दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है आपके जो लिखित परीक्षा होने वाली है तो आपको अनुपस्थित होना अनिवार्य है। अगर आप परीक्षा में एबसेंट हो जाते हैं तो आपको कोई भी दावापत्ति का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर इन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने बताया है आपको एग्ज़ाम सेंटर पर आपके एग्ज़ाम टाइमिंग से 1 घंटे पूर्व पहुंच जाना है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम टाइमिंग दिया गया है 10:30 बजे, तो आपको 10:30 बजे से 1 घंटे पूर्व यानी 8:30 बजे के अकॉर्डिंग आपको पहुँच जाना है। अब बात करते हैं ना दोस्तों तीसरे पॉइंट के बारे में, यहाँ पर दिया गया है जो आपकी लिखित परीक्षा होगी रिटर्न एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड की लिंक एक्टिवेट कर दी गई है। हाँ दोस्तों, आपके रिटर्न एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड की लिंक एक्टिवेट हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। चौथे नंबर पर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था और जो उसकी 2 कॉपी है, आपको 2 कॉपी साथ में लेके जाना है, और उसके साथ आपको एडमिट कार्ड आपका लेके जाना, जो एडमिट कार्ड आपका निकाला जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको एक प्रूफ ले जाना है साथ में। अब बात करते हैं दोस्तों पाँचवें नंबर की, तो यहाँ पर दिया गया लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने अपघटन पासपोर्ट, आपको एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ले जाना है, 1 या 2-3 फोटो लेके आप साथ में जाएंगे, और स्वप्रमाणित फ़ोटो, आपको अपने फ़ोटो पर आप खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। स्वप्रमाणित का मतलब यही होता है दोस्तों, स्वप्रमाणित मीन्स यही होता है कि खुद के सिग्नेचर से खुद से प्रमाणित होनी चाहिए। छठे नंबर पर बात करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको लेके नहीं जाना है, जैसे फ़ोन, मोबाइल, कैलकुलेटर, इस सब आपको लेके नहीं जाना है, एंड्रॉयड घड़ी लेके भी नहीं जाना, जो स्मार्ट वॉच चली है इस टाइम। अब सातवें नंबर पर बात करते हैं, परीक्षा समाप्ति से पहले किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है तो आपको एग्जाम रूम से बाहर नहीं जाना दिया जाएगा। अब आठवें नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। अब यहाँ पर आप बात नोट करते हैं, या तो CCTV कैमरा लगा होगा दोस्तों, या तो यहाँ पर आपकी वीडियोग्राफी चलेगी, तो आप सावधानी पूर्वक अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। साथ अब बात करते हैं नौवें नंबर पर, तो नौवें नंबर पर दिया गया है यहाँ पर कि परीक्षा जो है आपकी, परीक्षा से सारी जानकारी आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब चलिए देखते हैं लिस्ट जो पब्लिश कर दी गई है कैंडिडेट की, क्या लिस्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर फीमेल की दिया गया, एप्लीकेशन आईडी नंबर दिया गया है दोस्तों, और आपका नाम दिया गया है। जो भी स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं इस रिटर्न एग्जाम में कार्पालक सहायक जॉब के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के, तो यहाँ पर उनका नाम दे दिया गया है, आप लोग अपना नाम मिला लीजिए। आपके फादर का नाम है और डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, और टाइपिंग एग्जाम में आपने कितने मार्क पाए हिंदी टाइपिंग टेस्ट में, यहाँ पर आपका मार्क दिया गया है। तो हम आपको बता दें, इस लिस्ट में जिन स्टूडेंट का नाम है वही रिटर्न एग्जाम में बैठने वाले हैं। नीचे आ जाएंगे तो ये तो फीमेल का है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको मेल का दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेल की लिस्ट है और ऊपर आपकी फीमेल की लिस्ट है। तो आप लोग अपना अपना नाम मिला लीजिएगा, जिनका नाम इस लिस्ट में है वही एग्जाम में बैठेंगे, रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे कार्पालक सहायक जॉब के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, और अगर आपको मन में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट कीजिए, हम उन कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।